जज्बाती जिंदगी स्टोरीज च तुहाडा स्वागत है। अज दी कहानी है जो अपने माँ बाप की सखी नहीं हुई वह साड़ी की होगी। अज घर विच बहुत चहल पहल सी। 15 दिन बाद छोटी नंद मनदीप का विआह सी तां सब उस दीआं तैयारियां विच लगे हुए सन। वड्डी नंद हरदीप ते उसके पति इंदरजीत घरे आए हुए सन। सारे परिवार के मैंबर पापा के कमरे में बैठ के इसे बारे डिस्कस कर रहे सी, जबकि घर दी नूं अनवीर सब दे लई चाह पानी की तैयारी कर रही सी। चाह बन गई तां ओह सारयां लई लै के उन्हां दे कमरे विच आई, पर उस दे कमरे विच आउंदे ही सारे परिवार दे मैंबर चुप हो गए। अनवीर नूं इह गल बहुत अजीब लगी, पर फिर भी उसने सब नूं चाह दित्ती ते खुद अपनी चाह लैके इक पासे बैठ गई। पर उदों ही मम्मी जी ने उस दे पति संदीप नूं अनवीर नूं बाहर भेजण दा इशारा कीता, जो अनवीर ने देख भी लिया सी। पर अनजान होने का नाटक करती हुई वह चुप चाप बैठी रही। आखिर संदीप ने अनवीर नूं कहा, अनवीर असी सारे कुछ जरूरी गल कर रहे हाँ, प्लीज़ तू अपने कमरे में जाके चाह पी लै। अनवीर ने प्रश्नवाचक नज़र नाल संदीप वाल देखा, जिमें कह रही होवे मैं भी तो इस घर का मैंबर हाँ, भला मेरे सामने गल क्यों नहीं हो सकती। मैनू भी तो इस घर में की चल रहा है, की हो रहा, की होने वाला, वह सब गल्लां जानने का हक आ। शायद उसकी यह गल उसकी वड्डी नंद हरदीप ने समझ ली सी, इसलिए वह अनवीर नूं कहिंदी, भाभी वो गल यह आ कि जो तुहाडे लायक कोई काम होगा तो असी तुहानूं जरूर बुला लवांगे, हजे तो तुहाडा कोई काम है नहीं, तो तुसीं अपना चाह पानी पी के अपना काम खत्म कर लवो। वैसे भी तुहानू पता ही आ, विआह वाले घर विच 36 काम हुंदे आ, ते तुसी इस घर दी नूह हो तां तुहानू ही सारा कुछ संभालना पैना। अपनी नंद दी गल सुन के अनवीर ने मन ही मन सोच लिया, हाँ मैं तां घर दे काम कर लई ही हाँ, बाकी तां मैनू पता भी नहीं कि घर विच की चल रहा है, किन्ना कुछ कित्थे कित्थे खर्च हो रहा है, घर विच की समान आया की नहीं। बाजार तो भी समान लिया के सीधा अलमारी विच रख दिता जाता है, मैनू कुछ दस्या भी नहीं जाता, दिखाउणा तां दूर दी गल। ओ ए सब गल्लां उन्हां नूं कहणियां चाहुंदी सी, पर इन्ने परिवार दे मैंबरां विच बोल के ओ अपनी बेइज्जती की करावे, इस लई चुप चाप उठ के अपने कमरे विच आ गई। काफ़ी देर तक तां उस दे अंदर कुछ लंघिया ही ना, खाणा टेबल ते ही पिया रहा, पर भुखे क्यों रहना। फिर उसने सोचा, आखिरकार काम तो उसनों ही करना पैना है, इसलिए अपना खाना भी खाधा ते प्लेट रखन लई रसोई विच जा ही रही सी तां देखिया कि सारे मैंबर तैयार होके किते जा रहे सी। उस दे नंदोईए ने अपनी चाबी चक के कार स्टार्ट कीती ते पापा जी नाल किते चले गए। दोनों नंदा भी अपना बैग हिलाउंदियां हुईयां बाहर आईयां ते भाभी नूं बाय बाय कह के चलिया गईयां। सस भी बाहर आई ते अनवीर नूं काम दसन लगी, अनवीर असीं सारे जरूरी काम करके बाहर जा रहे हाँ, तू दुपहर दा खाना तैयार कर लवी ते खाना थोड़ा वधिया बनाई, हरदीप ते इंदरजीत इत्थे ही खाना खाणगे। उसनूं ऑर्डर ला के उसदी सस बाहर निकल गई। संदीप बाहर आया ते कमरे विच अपना बटुआ ते मोटरसाइकिल दी चाबी लैण लई चला गया। उदों तक अनवीर भी अपने कमरे में आ गई। उसने संदीप नूं पुछया कि संदीप तुसी सारे किते जा रहे हो। उसकी गल नूं अणसुणिया करके संदीप कहिंदा, हुणे मम्मी ने दस्या तां है तैनूं कि जरूरी काम करन जा रहे हाँ। हाँ मम्मी ने तां दस्या, पर कित्थे जा रहे हो तुसी, मैनूं किसे ने भी नहीं दस्या। हुणे जरूरी तां नहीं कि हर गल तैनूं दसी ही जावे, दस्या तो है बस जरूरी काम आ, ते जो मम्मी ने काम दस्या वो कर लवी, ते रब दा वास्ता खाना थोड़ा ढंग नाल बनाई। कहिंदा होया संदीप अपना बटुआ ते चाबी लैके उत्थों चलिया गया। अनवीर उसके पिछे पिछे दरवाजे तक आई तो देखिया कि सारे कार विच बैठे सी। संदीप भी जाके अपने मोटरसाइकिल ते बैठ गया, पर पता नहीं क्यों ये सारे अजे तुर नहीं सी रहे। अनवीर उत्थे दरवाजे ते खड़ी उन्हां नूं देख रही सी, इस तरह लग रहा सी जिवें ओह किसे दा इंतजार कर रहे होण। 10 मिनट बाद
उसनू घर विच काम करन वाली काम वाली आउंदी दिखी। उस दे आउण ते उस दी सस ने काम वाली नू अपने कोल बुलाया ते उसनू कुछ समझा के उह सारे उत्थों चले गए। पिछे पिछे संदीप भी अपना मोटरसाइकिल लैके चला गया। काम वाली घरे आई तां अनवीर ने दरवाजा बंद कर दिता ते आके सोफे ते नटाल जिही होके बैठ गई। काम वाली अपने काम करन विच लग गई। सब तो पहला उसने उसकी सस के कमरे की सफाई की, फिर बाहर निकल के उसने उस कमरे नू जिंदरा लगा दिता। उसनू जिंदरा लगाते देख अनवीर ने पूछया, आंटी तुसी जिंदरा क्यों लगा रहे हो? उसकी गल सुन के काम वाली ने उस वल देखिया ते कहा कि मैनू तो तेरी सस ने कहा सी कि उन्हां दे कमरे की सफाई करके जिंदरा लगा देवे। अनवीर ने इन्ना सुन तो बाद अगे कुछ नहीं कहा, पर उसनू हैरानी उदों हुई जदों काम वाली ने चाबी उसनू देन दी जगह अपनी चुन्नी दे लड़ बन लई ते घर दे बाकी कमरियां दी सफाई करन लगी। अनवीर उसनू काम करदे वेख के बैठी बैठी सोचन लगी कि की यही इज्जत है उसकी इस घर विच। एक नौकराणी ते भी अखां बंद करके विश्वास कर लिया, पर अपनी नूं ते नहीं। मन्या कि काम वाली इत्थे पिछले 10 सालों तो काम कर रही है, पर वह भी तो इस घर की इकलौती नूँह है। अज नहीं तो कल उसने ही सारा कुछ संभालना। खैर, अनवीर ने देखा कि जिमें जिमें काम वाली सफाई करती जा रही थी उवें उवें वह सब कमरियां नूँ जिंदरा लगाती जा रही थी। उन्होंने सिर्फ अनवीर का कमरा रसोई तो हाल ही छड़िया सी जिथे जिंदरा नहीं सी लगाया। अनवीर अजे भी सोफे ते ही बैठी हुई सी कि काम वाली अपना काम खत्म करके जान लगी तो अनवीर ने टोकदिया कहा, आंटी तुसी तो जा रहे हो तो सारे कमरियां नू जिंदरा लगा दिता, चाबी तो दे दिओ, नहीं तो जदों सारे आउणगे तो दरवाजा किवें खोलणगे? उसकी गल सुन के काम वाली ने जवाब दिता, माफ करना धीए, पर तेरी सस ने मना किया चाबी देण तों। उसने कहा कि जिंदरा लगा के चाबी गवांडण नू दे देवी। इन्ना कह के काम वाली घरों चली गई, जबकि अनवीर सोफे ते बैठी एक टक उसनू चाहते हुए देखती रही। इन्नी वड्डी बेइज्जती उस तों बिल्कुल बर्दाश्त नहीं सी हो रही। उसनू हुण घर विच घुटन होण लगी सी। आखिर उसकी गलती की सी? बैठे बैठे उसनू वह दिन याद आया जदों कॉलेज के फस्ट ईयर विच सी। वह एक अजिहे परिवार नाल संबंध रखती सी जिथे कुड़ियां नू सिक्ख्या देण नू ज़्यादा महत्व नहीं सी दिता जांदा। बस 10वीं तक की पढ़ाई कर ली, उस तो बाद विआह कर दिता जांदा सी। पर अनवीर दे माता पिता ने उसनू बड़े चावां नाल अपने परिवार वालियां नाल लड़ झगड़ के कॉलेज भेजिया सी। वह चाहते सी कि उन्हां दी धी अपने पैरां ते खड़ी होवे। वह हमेशा उसनू अगे वधदा होया देखना चाहते सी। इसलिए अपने रूढ़ीवादी परिवार के खिलाफ जाके भी उन्होंने उसनू पढ़ाया लिखाया ते अगे दी सिक्ख्या लई शहर भेजिया। पिंड दे माहौल चों निकल के अनवीर पहली बार शहर आई सी। उसनू यह आज़ादी इत्थों दा रहन सहन बहुत भा गया सी। उत्थे कॉलेज विच उसदी संदीप नाल मुलाकात हुई सी। वह फाइनल ईयर विच पढ़दा सी। पहलां दोस्ती हुई फिर प्यार। फाइनल पेपर आउंदे आउंदे तां दोने अपने विआह दे सुपने बणन लगे सी। संदीप दा तां वैसे भी अगे पढ़न दा मन नहीं सी। उसने तां अपने पापा दा बिजनेस ही संभालना सी। इस लई उस दे लई बस ग्रैजुएट होना बहुत वड्डी गल सी। पर इधर अनवीर उपर संदीप दे प्यार दा अजिहा जादू चढ़िया कि उसनू ए तक समझ नहीं आया कि उसदे माता पिता ते इस सब नाल की बीतेगी। उसका एक कदम उसके घर विच आउण वाली हर कुड़ी की सिक्ख्या ते रोक लगा देवेगा। किन्नियां मुश्किलां नाल उसके माता पिता ने परिवार के खिलाफ जाके उसके हक विच फैसला लिया सी, पर ये सारियां गल्लां उसके दिमाग के किसी भी हिस्से विच नहीं सी ठहर रहियां। बस जे कुछ दिखाई दे रहा सी तां ओह सी संदीप। संदीप ने भी उसनू बहुत ही सब जवाग दिखाई सी। इन्नियां प्यारियां प्यारियां गल्लां कि उसनू लगदा कि जो वह कह रहा है
ਉਹ ਸਭ ਉਹ ਅਨਵੀਰ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੰਦੀਪ ਅਕਸਰ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਖਰ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਸ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਅਨਵੀਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਲੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਸਨੂੰ ਸੰਦੀਪ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਇਸ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਿਆਰ ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਖਰ ਅਨਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਨਾਲ ਮੈਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਦੀਪ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਸੰਦੀਪ ਤਾਂ ਅਨਵੀਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਲੈ ਗਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ਼ਕ ਅੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਤ ਅਨਵੀਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੰਡੋਂ ਭੱਜ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਚੱਕ ਲਏ। ਸੰਦੀਪ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਦੀਪ ਵੀ ਉਸਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਖੁਮਾਰ ਉਤਰਿਆ ਅਤੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਗਏ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦਾਲ ਦਾ ਭਾਅ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਦੀਪ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਧੀਆਂ ਸਨ। ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਾਲੂਗਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁਦ ਸੰਦੀਪ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਨਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੰਘੇਗੀ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨਵੀਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੁਣ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਬਸ ਇੱਕ ਹੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਰਸੋਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਨਵੀਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਦੀਪ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਨਵੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਉਸਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾ ਕੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਸੋਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਟੁੱਟੀ ਤਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਗਈ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 3 ਵੱਜ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਸੰਦੀਪ ਗੁਆਂਢਣ ਆਂਟੀ ਤੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧਾ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਅਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਅਨਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਆਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਨਣਦ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਹਿਨ ਕੇ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੇ ਅਨਵੀਰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸਨੇ ਫਟਾਫਟ ਸਾਰੇ ਗਹਿਣੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਨੇ ਵੀ ਅਨਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆਂ ਬੋਲੀ, ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਅਚਾਨਕ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਹੜਬੜਾ ਗਈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਆਈ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਦੀਪ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲਿਆ, ਖਾਣਾ ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਚੱਲਿਆ, ਆ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ।
संदीप ने जिस तरीके नाल दुरकारदे हुए अनवीर नूं कहा, अनवीर नूं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होया। उसदी अखां विचों हंझू बाहर निकल आए ते उह कहिंदी, तुसीं इह किस तरह मेरे नाल गल कर रहे हो? मैं भी तां इस घर दी मैंबर हाँ, मैं भला इस कमरे विच क्यों नहीं आ सकती? नहीं, नहीं आ सकती तू मेरे कमरे विच, मैनू नहीं पसंद तेरा इत्थे आउणा, इत्थे सारा कीमती समान रख्या हुंदा। अचानक ये सब कुछ उसकी सस ने कहा। उसकी गल सुन के अनवीर नूं लग्या जिवें कोई उसते चोरी का इल्जाम लगा रहा होवे। उसने भी अपनी सस के सामने आते हुए कहा, तुहानू मेरे तो ज़्यादा एक काम वाली ते विश्वास आ, जबकि मैं इस घर की मैंबर हाँ, इस घर की नूँह हाँ, मैं घर विच मौजूद सी, फिर भी तुसी काम वाली नूं कमरियां नूं जिंदरा लगाउण लई कहा ते चाबी गवांडन आंटी नूं देण लई कहा, तुहानू मेरे ते रता पर भी भरोसा नहीं आ? मैनू तेरे ते भरोसा भला क्यों होगा? असी तेरे ते भरोसा क्यों करिए? क्योंकि जो अपने माँ बाप की सकी नहीं हुई वह साड़ी की सकी होगी? तू तो अपनी ही माँ के गहने चक्के ले आई सी, फिर तेरा की भरोसा कि तू साडे गहने नहीं चक्केगी? उसकी सास ने अज दिल की भड़ास जबान राही कढ़ दित्ती। ये सुन के अनवीर बिल्कुल हैरान रह गई। उसनू लग्या जिवें किसी ने शीशे के सामने खड़ा करके उसनू नंगा कर दिता होवे ते अपने इस वजूद नूं ओ देख नहीं सी सकदी ते ना ही कुछ कह सकदी सी। इसलिए अपने हंझू लैके कमरे चों बाहर निकल गई ते अपने कमरे विच जाके बैठ गई। अज सचमुच उसदे माता पिता दा चेहरा उसनू याद आ रहा सी। उहनां दे विश्वास नूं तोड़ के अज जो कुछ उसनू मिल रहा सी शायद ओ उसे दे लायक सी। आखिर रात हो गई, सब ने खाना खा लिया। अज उसनू पता लग रहा सी कि उसकी वैल्यू की है। हुण तां सिक्ख्या भी उसके कोल नहीं सी, फस्ट ईयर के पेपर दिते ही नहीं सी, पर फिर भी अपने स्वै माण नू मार के वह जिउणा नहीं चाहती सी। इसलिए उसने अपनी सिक्ख्या पूरी करन दी सोची। वह जानती सी कि उसनू घर विच कोई भी एक पैसा नहीं देवेगा। इसलिए उसने दूसरे दिन एक छोटे स्कूल विच नौकरी दे लई अपलाई कर दिता। भला एक बारहवीं पास कुड़ी नू की नौकरी मिलेगी? पर फिर भी डेमो देण तो बाद प्री प्राइमरी टीचर की नौकरी उसनू दे दित्ती गई। सैलरी सिर्फ 5,000 रुपए सी। पहलां तां घर विच कोई भी इस गल लई तैयार नहीं सी, पर 6-7 घंटियां दे लई घट तो घट अनवीर तो छुटकारा तां मिलेगा। यह सोच के उसकी सस ने हाँ कर दित्ती। हुण उसने अपनी तनखाह विचों ही फार्म भरिया ते अगे दी सिक्ख्या शुरू कीती। आखिर अणथक मेहनत ते समय दे नाल उसने अपनी सिक्ख्या पूरी कीती ते एक चंगी जगह ते नौकरी भी लग गई। इसे दौरान वह एक धी की माँ भी बनी। हौली हौली घर वालियां ने भी उसनों स्वीकार कर लिया, पर अज भी मन का एक कोना खाली सी। कई बार उसने कोशिश भी कीती कि माता पिता नाल गल हो जावे, पर पापा ने यह कह के दुरकार दिता कि तेरा परछावा भी मैं अपने घर ते नहीं पैण देवांगा। इसलिए इस दुरकार नूं अपनी जिंदगी का हिस्सा मन के वह अपनी जिंदगी अज भी कट रही है। सो बालग होण ते अपने फैसले लैण दा अधिकार तुहानूं है, पर माँ बाप का दिल ना दुखाओ। तुहाडा की कहना है अनवीर दे बारे? अपने विचार जरूर लिख के दस्यो कि जो कुछ अनवीर दे नाल हो रहा है वह सही है। कहानी किस तरह की लगी? लाइक भी करो, चंगी लगी तो शेयर भी करो दोस्तों के नाल, ते चैनल नूं भी जल्दी ना सबसक्राइब कर लवो। इस तरह दीआं होर कहानियां तुहाडे तक पहुँचदियां रहणगीआं।